गाइस अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं उठ गई हूँ क्योंकि आज बच्चे का एग्ज़ाम है। और देखो अभी बारिश आ रहा है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है? देखो गाइस, दिन पूरा ठंडा हो गया है, बारिश आ रहा है अभी। तो अभी मैं फटाफट मैं खाना बना लेती हूँ, खाना बना लेती हूँ मैं। तो आज बने वही है, देखो मछली, इसको नमक डाल के रखा है, ये रहा। स्मेल आ रहा है। 2000 years later. हेलो गाइस, तो मैं जो है आप लोगों को मैंने जितना दिखाया उसके बाद मैं इतना बिजी हो गई कि मैं अपना मतलब व्लॉग ही नहीं कर पाई, क्योंकि बारिश भी आ रहा था। फिर मैंने वो सब्ज़ी भी बनाना था, तो मतलब पूरा वो मतलब फटाफट जल्दी जल्दी करना पड़ा, इसलिए मैं कुछ भी व्लॉग शूट नहीं कर पाई। और अभी अभी मैं मतलब बच्ची को भी छोड़ के आई हूँ, क्योंकि बारिश के कारण हम लोग स्कूटी से जाने पाए। तो हम मैं बच्ची को रेडी करवा के उसका टिफ़िन विफिन सब रेडी करके उसको मैं स्कूल में छोड़ के आई हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम भी है और जाना तो टाइम टू टाइम तो मतलब पहुंचना पड़ेगा, थोड़ा सा लेट हो गया आज के दिन में। तो वही, और अभी सब लोग चले गए हैं, मेरा हस्बैंड, मेरी बहन, बच्ची, तीनों के तीनों चले गए हैं अपने अपने कामों पर, अपने अपने जगह पर। तो अभी मैं वही अकेली हूँ और अभी पूरा घर को मैं साफ़ करूँगी। किचन रूम का तो इतना बुरा हालत हो रखा है ना, पूछो मत, इतना गंदा किचन रूम हो चुका है। तो वही, और मैं सोच रही हूँ पहले खाना खा लेती हूँ, क्योंकि खाना भी गरम गरम है, बाद में काम करते करते ठंडा हो जाएगा और मुझे फिर मूड नहीं करता खाना खाने का। तो पहले मैं खाना खाती हूँ, ठीक है, उसके बाद हम लोग काम पे लगेंगे। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो चलो, और मैंने अब आपको सब अपना सब्जी, मेरा सब्जी कैसा बना है वो भी नहीं दिखाया, चलो वो भी आपको दिखाती हूँ। सो गाइस, देखो ये देखो, मेरा हस्बैंड जो खाना खा के जो गया, देखो प्लेट ऐसे छोड़ के चला गया। ये जो सब्जियों का कचरा है, ये देखो जल्दीबाजी में मेरे से ब्रेड जल गया था, मैंने बच्चे को टिफ़िन में ब्रेड भेजा था। और यहाँ पर चावल, चलो अभी चावल मैं खाऊंगे भी। ये देखो, ये मेरे हस्बैंड ने बनाया है, पता नहीं कैसा बना है, पपीता के साथ स्नेल, पर मैं नहीं खाऊंगी इसको, उसका बनाया हुआ टेस्टी नहीं बनता। और ये रहा मेरा सब्जी, मछली, झींगा, आलू। तो मैं इसी के साथ खाना खाऊंगी, गरम गरम खाने के साथ। मैं खाना भी लेकर आ गई हूँ। आजकल पता नहीं क्या हो गया है, खाना ही खाने को मन नहीं करता है, फिर भी खाना तो पड़ेगा ही भाई, पेट भरने के लिए। ये मच्छी का तो बहुत अच्छा टेस्ट है। तो चलो खाने के बाद मिलते हैं, ओके। एक्चुअली इसी मछली को साफ करते ही मेरा टाइम वो चला गया, इस मछली को साफ करने में कितना टाइम लग गया मेरे को, इसलिए लेट हुआ है मेरा, अभी मुझे याद आ रहा, इस वजह से लेट हुआ है इस मछली को साफ करने के लिए।
सब बच्चे का भी स्कूल का छुट्टी होने का टाइम हो गया है, कल झाड़ू मारते मारते टाइम भी हो गया, तो अभी मैं निकल रही हूँ स्कूल के लिए। पर्स का मेरा पर्स भी ले लिया है, चलो चलते हैं अभी स्कूल में लेने के लिए। छतरी भी लेके जाना होगा क्योंकि बारिश आ रहा है। सो गाइस निकल गई हूँ मैं, बारिश सुबह से हो रहा है यहाँ पे, सुबह से अभी भी बारिश हो रहा है। ये देखो कैमरे में दिखाई नहीं दे रहा है, तो चलो गाइस अभी गाड़ी पकड़ती हूँ मैं, उसके बाद मिलते हैं। फाइनली टमटम मिल गया, हम लोग घर भी पहुंच चुके हैं। मैं तो पूरा भीग गई हूँ, पीछे मेरा पूरा बारिश टप टप गिर गिर के मैं पूरा भीग गई हूँ। और आज बच्ची का था कन्वर्जेशन और क्या था और एक हैंड राइटिंग, हाँ कन्वर्जेशन एंड हैंड राइटिंग था। कन्वर्जेशन में यही पूछते हैं हाउ आर यू, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर क्लास टीचर नेम, प्रिंसिपल नेम, स्कूल नेम, ये सब पूछा जाता है। तो आज वही उसको पूछा बच्ची को, और पता नहीं क्या क्या करके आती है, कैसे करके आती है। मुझे तो जब वो देती है ना अपना एग्ज़ाम, तो मुझे ना देखने का मन करता है बहुत, पर क्या करूँ, देख तो नहीं पाऊँगी, सिर्फ ये मैम के सामने ही होता है। तो वही, और आते ही देखो ब्रेड खोल के खा रही है, तुम न तो माइच है तो बा, ये देखो उसको आते ही ब्रेड खा रही है। याक दसु का ना ब्रेड थक जाओ, मायचा दे ताबुक, माय मायचा ना नी ताबुक, एग्जाम भाई का जो तो थका मैम न जो तो हैंड राइटिंग को हम गई तम फाइ क्या ब्रेड का लाइन ना हैंड राइटिंग ओ तम तम फाइ क्या एप्पल हमके फैलिया एप्पल तो बच्ची के लिए अभी ये वाला साग बनेगा। आज सुबह ही लेकर आया था ये फ्रेश। सो गाइज तब ये चराइनो माचा रिना नाइ तो वांग ये ए यांक लाइना उनको साग बाय माय इहिता और उनका गान इच्छा का। तो चलो अभी बेस उनका ताबो गांग चरेनो माचा रेगा ना दो आप रे ऑलो मालाये ना। सो गाइज हम लोग मैं तो भूल ही गई थी कि मैं ब्लॉग कर रही हूँ, तो बच्ची को भी मैंने खाना वाना खिला दिया है और अभी हम बेड में आ चुके हैं। तो अभी हम लोग वही दोपहर का नैप लेंगे और अभी बज रहा है 3:30। ओके 2000 years later. गाइस हम लोग अभी भी 6 बजे उठे हैं, सॉरी 6 या 5:30 बजे उठे हैं सोकर उठ के। तो अभी हम लोग मार्केट जा रहे हैं, ज़्यादा ही कुछ रात हो गया है, बाहर पूरा अंधेरा, कब आएंगे कब वो होगा। I'm going to go to the next one.
मम्मा का चेंज हो एक हुआ। हमने ये केक अभी देखा यहाँ पे दुकान के पास, सुंदर सुंदर है। तो ना ये देखना, ये वाला डिजाइन बहुत सुंदर है। तो मुझे ये केक कितना पेस्ट्री क्या एक भी आ गया है। इसका है क्या बोलते हैं, रेड रेड वेलवेट केक, ब्लैक फॉरेस्ट। ये पेटिस भी है। 2000 years later. So guys, हम लोग घर भी पहुंच चुके हैं। तो मैंने मार्केटिंग से क्या क्या मार्केटिंग से मैंने क्या क्या सब्जियां खरीदी है वो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो फर्स्ट ये केला, ये कितना महंगा हो गया आजकल। पहले तो जूरा 10 में बेचता था, अब 3-20 रुपए में बेच रहा है। क्या मतलब हम इंसान लोगों को गरीब कर देंगे ये लोग। तो एक मैंने खरीदा, एक मेरी बहन ने खरीदा है, और साथ में मेरे को ये पॉपकॉर्न खरीदा मैंने। बहुत अच्छा लगता है टाइम पास के लिए पॉपकॉर्न खाने के लिए। और ये टमाटो, और ये बैंगन, और ये मिर्ची, लोकल मिर्ची। और ये हमने ये कभी भी मतलब बना के खाया नहीं है, मम्मी के हाथों का खाया है पर मैंने कभी भी नहीं बनाया। तो चलो इसको कल बनाएंगे। और ये सोयाबीन, आज मैं सोयाबीन बनाऊंगी। तो ना ये मेरा मार्केटिंग का आइटम, और कुछ भी नहीं खरीदा। अरे ये नोस्तोंगा ना। तो चलो, और मेरा जूस, अच्छा मेरा जूस इधर फ्रिज में है। चलो ये पीते हैं। मुझे पता नहीं जूस पीने का मन कर रहा था बहुत। मैं नॉर्मली फ्रूटी जूस, क्या क्या जूस होता है ना, वो मुझे पसंद नहीं है वैसा जूस। ले 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 ले। तो ये वाला लिया है मैंने। ये है टॉफी कैरेमल। नीपीस है चुनूंगे पे क्या अंगमनो सदसान नी 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 जूस आनो रुदी ने अंगमनो सदसान नानो कैशा आनी कैशा बस पे क्या। सो गाइस, अभी मैं सोयाबीन का सब्जी बनाऊंगी डिनर में। तो ये रहा प्याज काट के रखा हुआ है, ये लहसुन और अदरक का, ये मैंने इधर पानी में डाल के रखा हुआ, और इधर मैं आलू बॉयल हो रहा है। तो गाइस मेरा पूरा इधर मसाला हो चुका है, देखो पूरा मिर्ची विर्ची सब काट लिया। तो चलो बनाते हैं। देखो तो मसाला हो गया है। तो गाइस देखो मेरा सब्जी कितना टेस्टी लग रहा है, देखो ठीक हो गया है। बोलो कैसा लग रहा है। सो डन, मेरा सब्जी रेडी। देखो मुझे तो अभी से खाने का मन कर रहा है, बहुत टेस्टी हुआ है। सो गाइस अभी 9 बज गए हैं और अभी हम खाना खाने के लिए जा रहे हैं। और मैं आप लोगों को भी बताऊंगी कि मेरा बनाया हुआ जो कौन सा सब्जी था, सोयाबीन का जो सब्जी है वो टेस्ट करके बताऊंगी कैसा हुआ है। तो चलो ठीक है, अभी थोड़ी देर के बाद हम खाना खाएंगे। ये रहा मेरा प्लेट, ये है बच्चे का, और मेरी बहन ने खाया है, इसको बहुत टेस्टी लगा। कितना मार्क्स देगी 10 में 8.5। ये क्या बात हुआ भाई, देना है तो 9 दे, देना है तो 8 दे, 8.5 क्यों, हाफ क्यों दिया? टेस्टी हुआ? हाँ टेस्टी तो है। ना देखो सर, चलो गाइस मैं अभी टेस्ट करके बताती हूँ। दिखने में तो बहुत ज़्यादा डिलीशियस है भाई, आप लोगों ने देखा ही। वाह मेरा चावल कितना सॉफ्ट हुआ ना।
कोई कमी नहीं है, सब कुछ परफेक्ट। तो कितना मार्क्स देगी? मैं भी 9। भाई टेस्टी हुआ, भाई स्पाइसी भी हुआ, मैं बहुत साल के बाद खा रही हूँ ना। मैं बनाती भी नहीं हूँ, खाती भी नहीं थी। आज अचानक से मैंने सोयाबीन बोला। हमारे घर पे जब सोयाबीन बनाता था तुझे अच्छा नहीं लगता था? हमारे घर पे, खुद के घर पे तब तू खाती नहीं थी, तू गुस्सा मतलब अच्छा नहीं लगता था अभी जाके। पर अगली बार मैं सोयाबीन को फ्राई करके सब्जी में डालूंगी। इस बार मैंने सोयाबीन को फ्राई नहीं किया, पर नेक्स्ट टाइम मैं जब भी बनाती हूँ सोयाबीन को मैं फ्राई करके बनाऊंगी। तो चलो गाइस मैं खाना खा लेती हूँ। ओके, बहुत टेस्टी हुआ है और भूख भी तो लग रहा है ना, इसलिए और टेस्टी लग रहा है मेरे को। तो चलो खाना खाने के बाद मिलते हैं। सो गाइस खाना वाना खा के भी अभी हम लोग कब से ही बैठे हुए थे, अभी 11 बज गए हैं और अभी मैं अपना लाइव बोल रही हूँ अभी मैं अपना व्लॉग एंड करने के लिए आई हूँ। और अभी हम लोग सोने से पहले स्प्रिंग रोल खाएंगे, तो वही। तो बस आज का जो व्लॉग इतना ही रखती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो बाय बाय एंड गुड नाइट एवरीवन। बाय बाय, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब।